शिवपुरी जिले में न्यायालय के आदेश पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें स्कूल बसों से लेकर बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों पर कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस द्वारा लगातार स्कूल कॉलेजों में जाकर समझाइश दी जाती है एवं आज यातायात पुलिस द्वारा फौजी बस स्टैंड पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत लगभग 70 वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए थाने में रखवाया, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। और वहीं स्कूल बसों की हालत अब ऐसी हो गई है कि ट्रैफिक प्रभारी रणवीर यादव को रास्ता क्लियर कराने के लिए स्वयं धक्का देकर बस को सड़क किनारे खड़ा करवाना पड़ रहा है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नियंत्रण आपके द्वारा कार्रवाई चल रही है, आज सुबह 6 बजे से भी चेकिंग लगाई गई, किस प्रकार की कार्रवाई? हाँ, ये मजिस्ट्रेट चेकिंग चल रही है अभी 3-4 दिन से, जिसमें स्कूली बसों पर कार्रवाई की जा रही है जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रही है बसें, बच्चों की सुरक्षा को लेकर और बिना हेलमेट पे। जो लोग हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं उन पे आज माननीय न्यायालय द्वारा मजिस्ट्रेट चेकिंग लगाई गई, मोबाइल कोड लाया गया, जिसमें इनको जब्त कर गाड़ियों को थाना यातायात लाया गया। लगभग 70 गाड़ियों को आज लाया गया है, जिसमें इनके प्रकरण बना के माननीय न्यायालय पेश करेंगे, जहाँ से उनको जुर्माने की कार्रवाई होगी। लगातार ये मैसेज चल रहा है कि आपको हेलमेट लगाना है, स्कूल कॉलेज जा जाके हम लोग समझाइश दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आज ये कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई निरंतर अभी जारी रहेंगी। मेरा सभी से आग्रह है कि सभी आप हेलमेट लगाएँ, अपनी सुरक्षा करें। लगभग जो यहाँ से जिस चौराहे से निकल के गई हैं बसें, जैसे कि अपने जो भी स्कूल हैं, उन सब पे बसों पे कार्रवाई हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।